नमस्कार दोस्तों, फिर से मैं एक बार स्वागत करता हूं पीबीआर स्टडी चैनल पे। हम लाइव क्लास आपको नहीं दे पाए, उसी का ये पार्ट टू सेकंड पार्ट हम देने जा रहे हैं, जिसका आपको रिकॉर्डेड डेट शाम को 6 बजे तक मिल जाएगा, पब्लिश शो कर दिया जाएगा चैनल पे। आप सब जो है इस वीडियो को कम्प्लीटली देख लें और उम्मीद करते हैं यहाँ से क्वेश्चन फंसेंगे ही एग्जाम में। चलिए ठीक है, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर तीसरा है करेला बाई जोता झील। करेला वा इजौता झील, इजौता झील किस जिले में है उपस्थित है? ऑप्शन है लखनऊ, लखनऊ, अलीगढ़, सी बलिया, डी मऊ। तो इसका सही आंसर होगा लखनऊ। करेला और इजौता झील कहां पर उपस्थित है? लखनऊ। सर थोड़ा कमेंट करने का टाइम दीजिए, आप बोल रही हो ज्यादा से जल्दी से जल्दी से लोग कमेंट करेंगे वाले। हां ठीक है, बिल्कुल एक के पीछे थोड़ा टाइम देंगे, बोल रही हो मतलब 10 सेकंड जैसे लाइव में करते वैसे करेंगे। ठीक है, थोड़ा टाइम कम दीजिए। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग, फोर्थ नंबर, नवाबगंज झील या कुंद्रा समंदर। क्वेश्चन नंबर फोर है नवाबगंज झील, नवाबगंज झील, इसी का दूसरा नाम है कुंद्रा समुंदर, समुंदर। ये जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में उपस्थित है? कुंद्रा समुंदर। ऑप्शन ए दिया गया है उन्नाव, ऑप्शन बी दिया गया है बुलंदशहर, ऑप्शन सी दिया गया है मेरठ, ऑप्शन डी दिया गया है बिजनौर। चलिए ठीक है, कमेंट करें हम लोग। नवाबगंज झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में उपस्थित है? उन्नाव, बुलंदशहर, मेरठ, बिजनौर। देखते हैं किसका कमेंट जल्दी आता है, कमेंट करें। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा उन्नाव। क्वेश्चन नंबर फाइव, उन्नाव, नवाबगंज झील कहां पर उपस्थित है? उन्नाव में। जो भी मित्र हमारे जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं कृपया कमेंट में जरूर बताएंगे कि उनका कितना सही हुआ इसमें। कमेंट करके आप लोग बताइएगा कितने क्वेश्चन सही हुए थे आपका, कमेंट आप लोग जरूर करिएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। बड़ा ताल गोखुर, बड़ा ताल या इसी का नाम है गोखुर, गोखुर। झील बड़ा ताल या गोकुल झील दिया गया है ऑप्शन में शाहजहांपुर, शाहजहांपुर। बी दिया गया बरेली, सी दिया गया लखनऊ, डी दिया गया वाराणसी। चलिए ठीक है, आप लोग कमेंट करें बड़ा ताल झील या गोखुर झील किस जिले में उपस्थित है? ऑप्शन है शाहजहांपुर, बरेली, लखनऊ, वाराणसी। कमेंट आप लोग जरूर करिएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। तो ऑप्शन इसका सही है शाहजहांपुर। क्वेश्चन नंबर छह, चलो गया दोस्तों नमस्कार। देखिए
इसमें जो हम कुछ झीलों के नाम लिखे हैं उसमें दो ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। तो हम जो है यहाँ क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 क्वेश्चन में लिया है और आपको ए बी ऑप्शन दिया है। हमने दो ही ऑप्शन दिया है, ए बी में से एक सही होगा एक नहीं सही है, तो आपको कंफर्म करना है। इससे आपकी क्लियरिटी भी स्पष्ट हो जाएगी और आपका क्लियर भी हो जाएगा। कई सारे क्वेश्चनों को आपको नहीं देखना, सिर्फ दो ऑप्शन दिए गए हैं और उसमें से आपको एक टिक करना है। चलिए ठीक है, हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला जो है इस सेशन का जो है पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, प्रयाग झील किस जिले में उपस्थित है। ऑप्शन दिया गया है बहराइच और बलरामपुर। प्रयाग झील किस जिले में उपस्थित है, बहराइच और बलरामपुर। आप जल्दी से आप लोग कमेंट करें इसका आंसर क्या होगा। प्रयाग झील जो है किस जिले में उपस्थित है, तो इसका सही आंसर होगा बहराइच जिला। प्रयाग झील कहां पर है, बहराइच जिला। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए, देखते हैं पार्वती ताल या अर्गा ताल। पार्वती ताल, पार्वती झील या अर्गा ताल, ये किस जिले में उपस्थित है। पार्वती ताल या अर्गा ताल, पार्वती झील या अर्गा ताल, तो आपके ऑप्शन है गोंडा, बी में दिया गया फैजाबाद। ऑप्शन ए गोंडा, बी में दिया गया फैजाबाद, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों गोंडा। अगला क्वेश्चन है सिरसी जलाशय या टांडा दरी। सिरसी जलाशय बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में मैंने देखा इसको पूछा गया है। सिरसी जलाशय या टांडा डेरी, ये जो है ऑप्शन दिया गया है आपको मिर्जापुर और सोनभद्र। सिरसी जलाशय या टांडा डेरी किस जिले में उपस्थित है, तो इसका सही आंसर होगा मिर्जापुर। अगला दिया है भुगे ताल व विसैथा ताल। भुगे ताल व विसैथा ताल कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसका जो है ऑप्शन दिया गया है रायबरेली व बरेली। रायबरेली व बरेली इसमें से क्या सही होगा, तो विसैथा ताल जो है रायबरेली में उपस्थित है। आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला दिया गया है हमारे पास 10 नंबर पे, लिलौर झील। लिलौर झील बहुत ही मशहूर झील है लिलौर झील। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं बरेली ए और ऑप्शन बी दिया गया है सहारनपुर, तो क्या सही होगा दोस्तों कमेंट करें। लिलौर झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, ऑप्शन ए बरेली, ऑप्शन बी सहारनपुर, तो इसका सही आंसर होगा बरेली। क्वेश्चन नंबर 11 ठिठोरा झील या मोराया ताल। ठिठोरा झील या मोराया ताल, ऑप्शन में दिया गया है फतेहपुर, बी में दिया गया है कानपुर नगर। फतेहपुर या कानपुर नगर, तो इसका सही आंसर होगा फतेहपुर। बेती अजगरा नैया झील, बेती अजगरा नैया झील, ये तीनों एक ही जगह पड़ती है, कहां पर उपस्थित है। ऑप्शन दिया गया प्रतापगढ़, दूसरा दिया गया भदोही। तो हम कहां थे, 12 नंबर पे दिया बेती एकता दोस्तों, बेटी नहीं बेती, बेती अजगरा नैया झील, कहां प्रतापगढ़ भदोही। ऑप्शन ए है प्रतापगढ़, ऑप्शन बी है भदोही, तो इसका सही आंसर है प्रतापगढ़। तीनों एक ही जगह पर बेती अजगरा और नैया झील प्रतापगढ़ जिले में उपस्थित है। ऑप्शन 13, क्वेश्चन नंबर 13 सुराहाताल बहुत मशहूर है। ऑप्शन में दिया गया बलिया और देवरिया, मुझे लगता है इसका आंसर बहुत सारे मित्रों को पता होगा। कमेंट में आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें से सही गए हैं, कमेंट जरूर दोस्तों करिएगा। और आज का वीडियो कैसा लगा, इसी तरह आगे किस चीज कैसी वीडियो आप चाहते हैं, कौन सी चीजें आपको ज्यादा जरूरी है, जरूर हमें बताइए कमेंट के माध्यम से। दोस्तों में शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। दिया गया है सुराहाताल, सुराहाताल का सही आंसर होगा बलिया। ठीक है, मोती व गौर झील, मोती व गौर झील क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया, मोती व गौर झील, इसमें दिया गया रामपुर और पीलीभीत। ऑप्शन ए रामपुर, ऑप्शन बी पीलीभीत, तो इसका सही आंसर होगा रामपुर। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं सारे क्वेश्चन को। प्रयाग झील, हमने प्रयाग झील का क्या सही आंसर बताया, बहराइच जिला। प्रयाग झील कहां पर है, बहराइच जिला। ऑप्शन अगला ऑप्शन दिया गया आपको, मार्कर कहां चला गया है, एक सेकंड, ये है मार्कर। क्वेश्चन अगला देखते हैं हम लोग, पार्वती ताल या पार्वती झील या अर्गा ताल, इसका सही आंसर हमने क्या बताया आपको, गोंडा। गोंडा इसका सही आंसर क्या बताया था हम लोग, गोंडा। पहले का सही आंसर बहराइच। सिरसी जलाशय या टांडा दरी, इसका सही आंसर क्या था, मिर्जापुर। सिरसी जलाशय या टांडा दरी कहां पर है, मिर्जापुर। भुगे ताल व विसैथा ताल कहां पर उपस्थित है, रायबरेली में। भुगे ताल और विसैथा ताल कहां पर उपस्थित है, रायबरेली में। लिलौर झील, लिलौर झील कहां पर उपस्थित है, बरेली। इसी तरह ठिठोरा झील या मोराया ताल, ठिठोरा झील या मोराया ताल दोनों एक ही जगह उपस्थित है, कहां पर उपस्थित है,
फतेहपुर, फतेहपुर में बेती या अजगरा या नैया, बेती अजगरा नैया झील कहां पर उपस्थित है? प्रतापगढ़। बेती अजगरा या नैया कहां पर उपस्थित है? प्रतापगढ़। सुराहा ताल बहुत ही मशहूर है, इसका आंसर सभी मित्रों को जरूर पता होगा। तो क्या इसका आंसर सही होगा? बरे बलिया। मोती व गौर झील कहां पर उपस्थित है? रामपुर में। मोती व गौर झील कहां पर उपस्थित है? रामपुर में। तो ठीक है दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चन, कुछ प्रमुख झीलें रही थी उत्तर प्रदेश की, जिसको हमने आपको बताया। और ये इसमें से हमने पिछली कई परीक्षाओं में देखा है कि पूछा गया यूपी स्पेशल में। तो आप लोग इस वीडियो को दो बार तीन बार जरूर देखिएगा, वीडियो देखने ही मात्र से आपको याद हो जाएगा और आप एग्जाम हॉल में इस क्वेश्चन को अवश्य सही कर ले जाएंगे। कैसा लगा आज का वीडियो दोस्तों, कमेंट के माध्यम से एक चीज हमें और बताइएगा, इसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए? हमने ऑप्शन ए बी दो ही दिया था, इसमें से कितने मित्रों के हमारे जो है सही गए हैं जरूर बताइएगा दोस्तों, कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही गए। आज के लिए इतना ही, कल हम पुनः मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद। तो मित्रों कैसी लगी आपको ये क्लास? अपने विचारों को जरूर कमेंट करें। जी हाँ बिल्कुल, कमेंट करें, अपना फीडबैक दें कैसी आपको ये क्लास लगी। और हाँ, गणित की क्लास डीएलएड अर्थात बीटीसी की क्लास रात्रि 10 बजे से लेकर 12 1 बजे तक होती है। पर डे 2 से 3 घंटे की लाइव क्लास होती है, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम आ गया, आप लोग को मालूम है ना। तो डीएलएड या बीटीसी के लिए या फिर बेसिक मैथ के लिए आप रात 10 बजे से लेकर 12 बजे तक या फिर 1 बजे तक लाइव क्लास देख सकते हैं पर डे। तो इन्हीं बातों के साथ आज की इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि सभी क्लास मिल सके। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। अपना विश्वास इसी तरह से बनाए रखें और पीवीआर स्टडी को 42,000 से 42,00,000 में पहुंचाने में भरपूर योगदान दें।